सो अभी मैं तुरंत गूगल क्रोम खोलता हूँ। गूगल क्रोम खोलने के बाद मैं ऐसा वॉलपेपर जो डाउनलोड करूँगा उस वेबसाइट से। तो गूगल क्रोम ओपन करने के बाद मैं इधर टाइप करता हूँ WAL वॉलपेपर फ्लेयर, वॉलपेपर फ्लेयर डॉट कॉम, WALLARE वॉलपेपर फ्लेयर डॉट कॉम। डाउनलोड करने के बाद एंटर करता हूँ वॉलपेपर फ्लेयर डॉट कॉम। दबाने के बाद एंटर करने के बाद ये वेबसाइट मैं ओपन करता हूँ। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं सर्च HD वॉलपेपर इन वॉलपेपर, समझ रहे हो। तो उसमें मैं ब्लैक में, मेरे को ब्लैक वॉलपेपर ज़्यादा अच्छा लगता है अपने डेस्कटॉप में, तो मैं BLACK ब्लैक लिख देता हूँ चुपचाप। तो ब्लैक लिखने के बाद मेरे को ब्लैक टाइप में बहुत सारा वॉलपेपर आ जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं एक से एक वॉलपेपर आ गया फुल HD में, नाइट में, डिजिटल आर्ट, डार्क, जो टाइप का आपको चाहिए वो आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और इधर डार्क में मेरे को बहुत सारा इधर रिकमेंड हो रहा है, तो मैं कुछ भी इसमें से वॉलपेपर रख सकता हूँ। तो आपको जो वॉलपेपर रखना है वो आप चूज़ कर लीजिए। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही रियलिस्टिक लगा, तो मैं चुपचाप ये सिलेक्ट करके, और इसमें भी आपको कैटेगरी मिल जाएगा। तो उसके बाद मैं डाउनलोड योर स्क्रीन जो है, डाउनलोड योर स्क्रीन, तो उसको भी मैं दबा सकता हूँ। बट मैं सिंपली इधर जो है मैं इसमें डाउनलोड फॉर योर स्क्रीन, तो इसमें मैं दबा के क्लिक करता हूँ नॉर्मली। तो जैसे ही मैं इसमें क्लिक करता हूँ डाउनलोडिंग के लिए, इसमें क्लिक करता हूँ, वो मेरा डाउनलोडिंग प्रोसेस इसमें शुरू हो रहा है अभी इधर। सो उसके बाद मैं क्लिक करने के बाद इधर अब मेरा ऑप्शन आ गया डाउनलोड, मैंने खुल गया है वॉलपेपर। खुलने के बाद डाउनलोड वॉलपेपर में क्लिक कर देना है। डाउनलोड वॉलपेपर में क्लिक कर दोगे तो ये वॉलपेपर आपका डाउनलोड हो चुका है। तो मैं अभी चलता हूँ अपने नॉर्मली फाइल में, तो फाइल में चल के मैं देखता हूँ कि मेरा डाउनलोड हो चुका है कि नहीं। मैं 30 PC में जाता हूँ, 30 PC के बाद डाउनलोड के ऑप्शन में जाता हूँ। डाउनलोड के ऑप्शन में जाने के बाद ये देख लीजिए मेरा ये वॉलपेपर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरा वॉलपेपर लोडिंग में है, और जैसा मैंने वेबसाइट में देखा उस तरह से ये डाउनलोड हो चुका है। तो मैं इसको अभी करता हूँ सेट एस डेस्कटॉप स्क्रीन। तो मैं इसको अभी मैं अपने डेस्कटॉप का वॉलपेपर में लगा देता हूँ। तो अभी मैं इधर क्लिक करता हूँ सेट एस डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो सेट एस डेस्कटॉप बैकग्राउंड में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में ये वाला वॉलपेपर लग चुका है, और बहुत ही रियलिस्टिक वॉलपेपर बैकग्राउंड लग रहा है। तो इस तरह से आप ये वेबसाइट के मदद से आप जो है बेस्ट से बेस्ट, टॉप से टॉप बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट करके आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में रख सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू गाइस।